धार जिले के नालछा में सावन के चौथे सोमवार पर स्वामी विवेकानंद समाज उत्थान द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। इसमें 21 कावड़ यात्रियों ने रेवाकुंड में मां नर्मदा का जल भरकर नालछा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। यात्रा में प्रत्येक वर्ष हजार श्रद्धालु कावड़ उठाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति द्वारा प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कावड़ यात्रा निकाली गई। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। सिद्धों में सिद्ध श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नालछा में स्वामी विवेकानंद समाज उत्थान समिति के द्वारा प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में क्षेत्र के कावड़ यात्री हिंदू बंधु मातृशक्ति इस कावड़ में सम्मिलित होकर कावड़ यात्रा को सफल करेंगे। मैं सभी स्वामी विवेकानंद समाज उत्थान समिति के कार्यकर्ता एवं समिति के सदस्य एवं सभी कावड़ यात्रियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि इस वैश्विक कोरोना महामारी को देखते हुए हमें बिल्कुल निमित्त मात्र कावड़ यात्रियों के साथ ही जल चढ़ाना था। इसलिए मात्र 21 कावड़ यात्री आप सबकी श्रद्धा, आप सबकी मन मनस्थी को लेकर, आपकी भक्ति को लेकर मात्र 21 कावड़ यात्री बाबा सिद्धेश्वर पर जल चढ़ाएंगे और कामना करेंगे कि हे भगवान, हे सिद्धेश्वर, सभी के कार्य सिद्ध करने वाले, तुरंत इस वैश्विक महामारी को नष्ट करो, खत्म करो और समस्त प्राणियों की रक्षा करो। यह कावड़ यात्रा का उद्देश्य यही है और प्रति वर्षानुसार निकाली जाती है, इस वर्ष में निकाली जा रही है। इस कावड़ का मुख्य उद्देश्य है कि बाबा भोलेनाथ चंदलाव के तालाब के बीचों बीच खोजकालीन मंदिर है, उस मंदिर में है, वहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना इस कावड़ यात्रा का उद्देश्य है और यह सभी कार्य आपके सहयोग से सिद्ध होंगे। मैं पुनः आपसे माफी चाहता हूँ और आप लाइव फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इस यात्रा को देख सकते हैं और जहाँ भी है बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आपकी प्रार्थना करें कि इस बीमारी से तुरंत हे भगवान भोलेनाथ छुटकारा दे। बोले स्वामी विवेकानंद की जय हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।